गुड मॉर्निंग बच्चों मैं संतोष टिवास्तव सुपर सेक्स एजुकेशन हब से लेकिन आज मैं अपना परिचय देने के लिए यहाँ पर एक्चुअली नहीं हूँ मैं आप बहुत सारे बच्चों की आवाज़ बनने के लिए आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ एडिटोरियल पढ़ाना अपनी जगह बच्चों लेकिन एडिटोरियल पढ़ाते समय एक दर्द को महसूस करना अपनी जगह अभी तक फेसबुक पर मैं आपकी आवाज़ उठाता रहा कि मकान मालिकों को स्पेशली मैं प्रयागराज के इलाहाबाद के मकान मालिकों की बात कर रहा हूँ मकान मालिकों को कहीं कहीं आपके प्रति थोड़ा सा सिम्पैथडिक होना चाहिए उन्हें कहीं कहीं थोड़ा सा काइंडनेस शो करनी चाहिए लेकिन रेगुलरली बच्चों के मैसेजेस उनके कॉल्स के द्वारा ये पता चल रहा है कि वहाँ के मकान मालिक जो हैं ज़बरदस्ती अब करने लगे हैं बच्चों के नंबर्स पर कॉल करके उन्हें धमका रहे हैं कि अगर दो दिन के अंदर आपने किराया नहीं दिया तो आप मकान कर मतलब रूम अपना खाली करके चले जाओ ये कहा की सिंपैथी हो सकती है बच्चों आप वो मकान मालिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को आश्रय दिया है वो बच्चे जो आपके भरोसे वहां पर रहने गए हैं कौन है उनका अपना आप ही को अपना मानते हैं आप ही के द्वारा वो वहां पर आश्रय पा रहे हैं और आप उनके साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं आप उन्हें ये कह रहे हैं मकान खाली करके जाओ नहीं तो ये मैं कर दूंगा ये कर दूंगा तुम्हारा सामान फिकवा दूंगा कई बच्चों ने बच्चों फेसबुक पे मैसेंजर के माध्यम से कॉल के माध्यम से शेयर किया कि सर ये कंडीशन चल रहे चलिए माना माना कि वो मकान मालिक जो हैं लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने पॉइंट्स पे कुछ सही हो सकते हैं कि हाँ उनकी भी रोजी रोटी जो है उसी के भरोसे चलता है लेकिन क्या सबके साथ ऐसा है और दूसरी चीज़ क्या उसी के भरोसे चलता है कि अगर तीन चार महीने से उन बच्चों की दिक्कत है तो आप इतना भी टॉललेट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैनेज कर लें इतने सारे लोग हैं जो दिक्कत में हैं तो क्या आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते हैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अलबत्ता ऐसे समय में आप उनको धमका रहे हैं वार्निंग दे रहे हैं आप ये कहां का न्याय हो सकता है बच्चों तो मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं आपकी आवाज बनू लेकिन मेरी आवाज के द्वारा मैं ये चाहूंगा कि जो इलाहाबाद के गणमान्य अर्थात मान्य शिक्षक हैं रेप्यूटेड टीचर्स हैं अच्छे हैं जिन्होंने आप बच्चों से हजारों लाखों करोड़ों कमाए हैं आज वो आपके लिए खड़े हो आज वो आपके लिए खड़े हो और प्रशासन से ये आवाज उठाएं आवाज लगाएं कि प्रशासन आपका साथ दे कि वो मकान मालिक आपके साथ जबरदस्ती न कर सके कहीं कहीं उन्हें आपके साथ खड़े होने की जरूरत है बच्चों क्योंकि वो वो टीचर्स हैं जिनके साथ आप खड़े रहें जिनकी ताकत आप बने हैं तो अगर आज आप में से कुछ कमजोर वर्ग के बच्चे जो फाइनेंशियली कहीं कहीं कमजोर हैं अगर वो दिक्कत में हैं तो उन सभी टीचर्स को हम सभी टीचर्स को आप बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए अर्थात तो आपका सपोर्ट करना चाहिए हम जो कर सकते हैं वो एक और चीज है बच्चों आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ज्यादा बच्चे जब चुनाव आते हैं और वोट लेने होते हैं तो वहां के जो नेता होते हैं लीडर्स होते हैं वो आपका हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं आपकी पांव पकड़ लेते हैं आपको अपना भाई मानते हैं सब कुछ मानते हैं लेकिन आज वेन यू आर इन नीड जब आप जरूरत में हैं दिक्कत में हैं तो वो नेता वो लीडर्स कहां हैं उन्हें भी आपकी आवाज बननी चाहिए कि उन मकान मालिकों से फोर्सिवली नहीं कहिए बट रिक्वेस्ट के साथ कहीं कहीं आग्रह करना चाहिए कि वो उन बच्चों का कम से कम किराया माफ करें या उनके साथ रियायत करें जो बच्चे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीकर लेवल पे हैं मैं मानता हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे इसका फायदा उठा रहे हैं कि सक्षम है फिर भी वो किराया नहीं देना चाहते हो लेकिन इसकी दिक्कत में क्या हो रही है कि वो बच्चे पिस रहे हैं। बच्चों जो बच्चे वास्तव में दिक्कत में हैं इस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन लिए उनकी कमर तोड़ दी वो बच्चे जिनके पास कोई ऐसा आसरा नहीं है कि वो इकट्ठा किराया दे सकें अगर उन्हें धमकी दी जा रही हो कि नहीं आप कमरा काली करके चले जाओ नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड बच्चों की आप उन पे क्या बीत रही होगी हम सबको उन बच्चों के साथ खड़ा होना है सभी टीचर्स को खड़ा होना है सभी उन लीडर्स को खड़ा होना है जो लीडर्स आप जैसे बच्चों के बल पर वहां तक पहुंचे तो आज अगर आप दिक्कत में हैं तो वो लीडर्स वो शिक्षक वो टीचर्स सभी आगे आए प्रशासन के पास जाए और उनसे कहें कि हां इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए इसका समाधान क्या हो सकता है बच्चों इसका समाधान हो सकता है कि जो बच्चे सक्षम हैं वो कुछ ना कुछ किराया दे दें जो बच्चे सक्षम हैं वो कुछ न कुछ किराया दे दें लेकिन जो बच्चे असक्षम हैं अर्थात जो कहीं कहीं फाइनेंशियली वीकर हैं उन बच्चों के किराए इस समय तक के लिए कम से कम माफ कर दिया जाए जब तक कि ये पीड़ा ये दर्द उनको क्या करनी पड़ रही है सहन करनी पड़ रही है हम आप ऐसे लेवल पे नहीं हैं जहां पे बहुत बड़े हो गए हो इतने बड़े हो गए हो कि उन बच्चों का दर्द ना समझ सकते हो जो बच्चे इन चार पांच महीनों का किराया देने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं हम वो दर्द समझ सकते हैं बच्चों स्पेशली हम टीचर्स हैं हमें समझते हैं भले आपसे पैसा ले लिया जाता है लेकिन वो पैसा कहीं कहीं बच्चों इसलिए भी लिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम आपके साथ क्या हो सकें खड़े भी हो सकें उसी पैसे के बल पर अगर वो पावर हम इस्तेमाल करते हैं और प्रशासन से कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है उन बच्चों के साथ कहीं न कहीं प्रशासन सुनेगा लेकिन आप समझिए बच्चों ये चीज़ ऐसे नहीं होगा कि हम बस मैसेज देते हैं और ऐसे हो जाए कहीं ना कहीं वहां पे जो इस समय जो बड़े टीचर्स हैं उन्हें आपके लिए आगे आना ही होगा मेरा ये मैसेज है उन टीचर्स को कि कहीं ना कहीं आप इन बच्चों की मदद करें आप वो हैं जो जिन्हें ये बच्चे अपने भाई के रूप में अपने पिता के रूप में मानते हैं टीचर्स तो सारे रूपों में होते हैं तो अगर आज ये बच्चे कहीं मुसीबत में हैं, दिक्कत में हैं, उन्हें वार्निंग दी जा रही है धमकियां दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी टीचर्स प्रशासन से कहें कि मालिकों के मकान मालिकों के साथ बैठकर उनसे बात करके कोई न कोई ऐसा समाधान निकाल दें जिससे कम से कम कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी मदद हो सके ठीक है बच्चों इतना ही आपसे कहना था शेयर करना था और उन लीडर से भी फिर से मैं अपील करना चाहूंगा जो आपके वोट के बल पे बने हैं कि आप प्लीज प्लीज इन बच्चों के समर्थन में आए अपनी फेसबुक अपने इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हो बच्चों सारी पर इन टीचर से इन लीडर्स से प्रशासन से आग्रह करें आप बिल्कुल इन्हें इनडेट कर दें मैज से कॉल के द्वारा कि प्लीज आपको इनके सपोर्ट की आवश्यकता है सपोर्ट की आवश्यकता है स्पेशली वो बच्चे जो नीड में हैं उनकी जरूर मदद की जाए ठीक है बच्चों बस इतना ही बच्चों हमेशा खुश रहें आप और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं जो मेरे लिंक्स हैं उनके थ्रू मैं भी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं लेकिन शायद दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं जितना मैं कर सकता था या कर सकता हूं या कर सकना चाहिए मुझको तो फिर मैं उन टीचर्स कहना चाहूंगा प्लीज आप इन बच्चों का सपोर्ट करें वो लीडर्स इन बच्चों का सपोर्ट करें ताकि इस दर्द से ये बच्चे क्या हो सकें मुक्त हो सकें ठीक है थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग मी थैंक यू लेकिन ये थैंक यू कहने के बजाय मैं चाहूंगा आपकी समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकले ताकि आप खुश रह सकें आराम से रह सकें ठीक है बच्चों खुश रहिए